केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करने वाले हैं। ये आम बजट मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होने वाला है, जो कि पिछले 4 बजट से अलग होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस आम बजट पर पिछले साल लागू की गई जीएसटी की विशेष असर देखने को मिलेगा। साथ ही आम बजट के 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इस बजट को लेकर आम जनता को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी त्रस्त है, लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में आम बजट को लेकर जनता नई उम्मीदों को लगाए हुए बैठी हुई है। को संसद में आम बजट पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में एक बड़ी उत्सुकता है कि क्या कुछ आम बजट में पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर आज हमारे साथ कई युवा साथी मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो उनकी आशा करते हैं कि नए बजट में क्या कुछ उनको मिलेगा। देखिए, वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के साथ छलावा किया है, तो अब सरकार को ये निर्णय लेना है कि युवाओं के लिए क्या अब इसमें देखा जाना है। और सबसे पहले तो मैं यही उम्मीद करूंगा कल पेश करने वाले बजट में कि सरकार युवाओं को रोजगार के लिए प्लेसमेंट सेल लगाए। दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं तो इनको स्कॉलरशिप में एक स्कॉलरशिप समय पे इनको मुहैया करवाए, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का जो माहौल डगमगाया हुआ है फिलहाल, तो उसमें सरकार कदम उठाए और काम करे। किसान आत्महत्या कर रहा है, युवाओं के पास पैसा नहीं है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई में भी इतना पैसा नहीं लगा पा रहे, शिक्षा के क्षेत्र भी कमज़ोर होता जा रहा है। तो हमारी तो यही मांग है कि मतलब जो बजट कल आ रहा है वो पेश हो रहा है जो अच्छा तरीके से और मतलब ठीक पेश हो, जिसमें रोजगार में बढ़ावा मिले, महंगाई भी कम हो, किसानों को भी देखा जाए, युवाओं को भी देखा जाए, छात्रों को भी देखा जाए। देखिए, इस प्रकार युवाओं की यही इच्छा है कि आम आने वाले आम बजट में युवाओं को, किसानों को और दूसरी ओर जो बढ़ रही महंगाई को धीरे कम किया जाए, उसको लेकर इनकी लोगों की इच्छाएं हैं। कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ लोक एवन टीवी जयपुर।